वेलकम टू माई स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये 25 क्वेश्चन के बच्चों ये सीरीज़ आई है आपके लिए, तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। और ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग मैथ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिकल लॉजिक के लिए भी है, और IIT JEE वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है वीडियो को। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर इसको सही कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज, आपका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल लॉजिक, द प्रोपोजिशन इज डिफाइंड एज ए, क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें याद कर लीजिए क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन में आने वाला है। प्रपोजिशन इज डोनेटेड बाई स्मॉल लेटर, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पी देन क्यू का बच्चों फार्मूला क्या होगा, इसमें ये सही करने की ज़रूरत है। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, पी देन क्यू का फार्मूला जो होता है, निगेशन पी यूनियन क्यू, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो पी देन क्यू का ये फार्मूला होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई कंडीशनल का फार्मूला क्या होगा बच्चों, पी बाई कंडीशनल क्यू का जो फार्मूला होगा, पी देन क्यू यूनियन क्यू क्यू देन पी, बाई कंडीशनल का फार्मूला होगा पी देन क्यू यूनियन क्यू देन पी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका फार्मूला है, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ टेक्नोलॉजी में जो ट्रुथ टेबल होगा ऑलवेज ट्रू आएगा, पूरा आपका आंसर ट्रू निकल कर आएगा टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ऑलवेज ट्रू होगा। डिफिनीशन ऑफ कंट्राडक्शन, ऑलवेज फॉल्स आएगा, जो कंट्राडक्शन होता है यानी फॉल्स 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 निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑलवेज फॉल्स होगा। कंटिजेंसी में क्या कहेंगे, नाइदर टोटोलॉजी होगा और नाइदर कंट्राडक्शन होगा, आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है बच्चों। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखते रहिए। इसके बाद में सम मैन जीनियस विद इन प्रेडिक्ट सिंपल, कुछ ही आदमी जीनियस होंगे, ठीक है। तो हम छाट लेंगे, इसमें इंटरसेक्शन बनेगा बच्चों, कोई है तो उन्हीं में से जीनियस होगा, तो सर बी ऑप्शन को सही कर देते हैं। इसमें स्टेटमेंट आपको इसका टेटोलॉजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टेटोलॉजी बनाएंगे आप लोग, पी लिखेंगे क्यू लिखेंगे माइनस पी करेंगे और माइनस पी देन क्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका टेटोलॉजी कैसे बनाएंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें चेंज कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। तो बच्चों इसका टेक्नोलॉजी आप लोग बना लोगे कि मुझे बनाने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चों को नहीं आता है वो मेरे पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी बताया है। चलो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये निगेशन पी टू का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, टू का यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स का क्या होगा, ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स का क्या होगा, ट्रू होगा। तो निगेशन पी और देन क्यू है, तो इसका मतलब बच्चों क्यू के सारे को उतार लेंगे एक चीज को छोड़ के, एफ ट्रू एफ ट्रू, क्यू के सारे एलिमेंट को उतार लेंगे और इन दोनों में देखिए जहाँ फॉल्स फॉल्स आ रहा है वहाँ ट्रू कर दीजिए, जहाँ फॉल्स फॉल्स आ रहा है वहाँ ट्रू कर दीजिए, बाकी क्यू के सारे एलिमेंट उतर जाएंगे। तो देखिए बच्चों इसमें पूरा TT नहीं मिल रहा है, पूरा FF नहीं मिल रहा है, तो आपका SC ऑप्शन सही होगा, कंटिजेंसी होगा। इस तरह से बच्चों टेटोलॉजी की टेबल बनती है। एवरी, अब 11वां क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एवरी वन हु हेल्दी कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, यानी हेल्दी होगा तभी काम कर सकता है, तो उसमें देन का सिंबल चलेगा, पी देन क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म सम काउ आर नॉट गिव ए फूड, गिव ए गुड मिल्क होना चाहिए, कुछ ही काउ है जो मतलब दूध में, सम काउ आर नॉट गिव गुड मिल्क, ठीक है। तो इसमें निगेशन का आएगा, निगेशन लगा देते हैं,
ठीक है, तो ये 12th हमारा कंप्लीट होता है। अगला देखिए, रिफ्लेक्सिव कॉमोडेटिव ट्रांसिटिविटी आर कॉल्ड, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर ले जाए बच्चों तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस कहेंगे। इक्विवेलेंस का डेफिनेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अभी याद कर लीजिए रिफ्लेक्सिव कॉमोडेटिव ट्रांसिटिविटी। और ये ग्रुप ग्रुप बनाने के लिए डिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी चीज़ें होना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, अवेलियन के लिए कॉमोडेटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं है तो हमारा इक्विवेलेंस को ही हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट केवल दो ही होता है, 0 और 1, तो इसमें ढूंढते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। एक ग्रुप इज कॉल्ड अवेलियन, अवेलियन कब कहलाएगा, जब कॉमोटेटिव लॉ उसमें होल्ड कर ले जाएगा, ठीक है। कॉमोटेटिव लॉ को होल्ड करा लेंगे किसी ग्रुप में तो अवेलियन कहलाएगा। कॉमोटेटिव लॉ बच्चों क्या होता है, ए रिलेटेड बी देन बी रिलेटेड ए, ये पक्का जरूर होगा, उसे कॉमोटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 17, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ग्रुप क्या होगा, ये यूनिक होगा। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और ख़ासकर तो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सब ग्रुप इज कॉल्ड कोसेट, कोसेट कब कहलाएगा, ये भी देखिए कोसेट है, ये भी कोसेट है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही माना जाएगा, बोथ ए एंड बी। लैग्रैंज थ्योरम बच्चों किसे कहते हैं, लैग्रैंज थ्योरम ये होगा इसका आंसर, जो लैग्रैंज थ्योरम का फार्मूला लिखना था। एवरी साइक्लिक ग्रुप बच्चों क्या होगा, अवेलियन ग्रुप बनाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइक्लिक ग्रुप हमेशा अवेलियन ग्रुप बनाता है। प्रपोजिशन पी इंटरसेक्शन पी क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और प्रपोजिशन इज इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा, ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ये यूनियन है तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, तो निगेशन पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू, ठीक है, तो ये बी होगा। प्रपोजिशन इज ए इक्विवेलेंस, अब बच्चों इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, अब इसका ट्रुथ टेबल आप बनाओगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताओगे, वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा 25 का, इसका आंसर बच्चों ए आएगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, ट्रुथ टेबल से सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद में 24 है, 24 में बच्चों इसको साइक्लिक ग्रुप है, तब तक उससे पहले मैं 25 बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये कोसेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इसमें बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, तो ए एच भी होगा, बी एच भी होगा और सी एच आपस में सेम होगा। और इनवर्स वाला एक क्वेश्चन चलिए मैं लगा के बताता हूँ, इसी बहाने आपका इनवर्स भी तैयार हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, 3 1 4 2 ये लिखा हुआ है, इसको बच्चों 1 2 3 4 उतार लेंगे, 1 2 3 4 उतारेंगे, एक्स वाई जेड यू मान लेते हैं, और आइडेंटिटी मतलब दो ग्रुप का प्रोडक्ट करने पर, दो परमोटेशन का प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिले, तो आइडेंटिटी किसे कहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसे आइडेंटिटी कहेंगे। अब चलिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1 का 3 है, ध्यान दीजिएगा, पहले 1 2 3 4 उतार देते हैं, तो 1 का 3 है, 3 का कितना है जेड, तो बच्चों जेड की वैल्यू 1 आ गई, 2 का 1 है, 1 पर कितना है एक्स, ठीक है, 3 पर 4 है, 3 पर 4 है, 4 पर बच्चों कितना है यू, और 4 पर 2 है, 4 पर 2 है, तो 2 पर कितना है वाई, तो बच्चों इस तरह से तरीके से कंप्लीट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ऐसे चलाएगा। तो बच्चों इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और z की वैल्यू कितनी आ गई 1, और u की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब ऑप्शन में देखिए, नीचे वाले रो में देखिए आपका 1 2 3 4, x की वैल्यू कितनी आई है 2, और y की वैल्यू कितनी आई है 4, और z की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2 4 1 2 4 1, देखिए ये मैच कर रहा है हमारा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये इनवर्स ऑफ परमोटेशन
क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चेंजिंग करनी है तो भी सजेशन दीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज था बच्चों। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कैसा लगा हमें बताइएगा और लोगों को शेयर करिएगा।